रहीम अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मैं किड्स ग्राम स्कूल का टीचर अब्दुल खालिक आपसे मुखातिब हूँ। शिशु जमात इस्लामिया बाब दो सबक नंबर दो अजान फजीलत और अहमियत, मेरा ये लेक्चर नंबर दो है। बेटा आप सफर नंबर 22 निकालें, वहाँ मश्की सवालात हैं जिनका तफसीली जवाब देना है। ये 22 सफे पे है। सवाल नंबर 4, अजान की फजीलत क्या है? इसका जवाब सफर नंबर 21 पर है। आगे है सवाल नंबर 5, अजान का जवाब देने के मुतालिक आप सुलसम का इरशाद लिखें, तो इसका जवाब है सफर नंबर 21 पे। अब बेटा किताब खोले सफर नंबर 21, सवाल नंबर 4 का जवाब देखें। जी बेटा आप सफर नंबर 21 निकालें, ये सवाल नंबर 4 का जवाब है फजीलत से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर लोगों को यह मालूम हो जाए कि आज़ान देने और पहली सफ में नमाज पढ़ने का कितना सवाब है, तो हर शख्स दूसरे से आगे पढ़ने की कोशिश करे, हत्ता के फैसला करने के लिए कुर्रा डालना पड़े। सवाल नंबर 4 ये आपका मुकम्मल हो गया। और सवाल नंबर 5 है, ये है फवायद, ये आगे है जी, फवायद नहीं बल्कि ये सवाल नंबर 5 है अजान का जवाब। अजान का जवाब देने के मुतालिक आप सुन का इरशाद, ये है अजान का जवाब, ये हेडिंग है, इधर से शुरू करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अजान सुनो तो जवाब में तुम भी वही कहो जो मुअज्जिन कहता है। मुअज्जिन यानी अजान देने वाला जो कह रहा है, आप उसी तरह कहो हैया अल सलाम, और हैया अल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो, और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में कहो सदकता व बररता, सदकता व बररता। बेटा ये आपके दोबारा मैं 5वां सवाल दोहरा देता हूँ, अजान का जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अजान सुनो तो जवाब में तुम भी वही कहो जो मुअज्जिन कहता है, हैया अल सलाह और हैया अल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो, और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदकता व बररता कहो। बेटा ये आपका दूसरा सवाल मुकम्मल, ये 5वां सवाल मुकम्मल हो गया। आप इसको याद कर लें, अपनी कॉपी पे लिख लें ताकि आपका ये टेस्ट अच्छा हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।